प्यारे बच्चों आज हम करेंगे प्रसन्न संख्या आठ से प्रसन्न संख्या आठ को पढ़ते हैं उनचास को सात विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र था हमारे पास एन स्क्वेयर तो उनचास को हम क्या लिख सकते हैं उनचास को हम लिख सकते हैं सात गुणा सात या सात का वर्ग ऐसे हमने इन को लिख सकते हैं यहां पर हमने उनचास को एन का वर्ग इस रूप में लिख लिया और जहां पर ये सब क्या संख्याएँ? विषम हैं। और एन स्क्केर भी क्या होता है विषम संख्याओं का योग और यहां पर भी हमें सात विषम संख्याओं का के योग के रूप में इसको लिखना है एक जमा तीन जमा पांच जमा सात जमा नौ जमा ग्यारह जमा तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात इनको आप जोड़ के देखोगे तो ये उनचास ही आएगा एक और तीन चार और पाँच नौ और सात सोलह और नौ पच्चीस और ग्यारह छत्तीस छत्तीस और तेरह उनचास तो इस तरह से हम उनचास को सात विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं अगला है एक सौ इक्कीस इसे भी हमें विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है एक को हम लिख सकते हैं ग्यारह गुना ग्यारह यानी ग्यारह का वर्ग अब हमें यहाँ पर ग्यारह संख्याओं के विषम संख्याओं के योग के रूप में इसको लिखना है विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र है एन का वर्ग एक जमा तीन जमा पाँच जमा सात जमा नौ जमा ग्यारह जमा, जमा तेरह जमा पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस गिनी इनको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह संख्याएं हैं सारी क्या हैं विषम संख्याएं हैं इनको आप जोड़ोगे तो एक सौ इक्कीस ही आएगा तो इस प्रकार हम इन संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं प्रश्न संख्या नौ को पढ़ते हैं निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं बारह और तेरह के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी यानी हम बारह का वर्ग करें फिर हम तेरह का वर्ग करें तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जैसे मान लो हम पहला पाठ करते हैं बारह का वर्ग किया हमने बारह गुणा बारह यह आएगा हमारे पास एक सौ चवालीस इसी प्रकार हमने किया तेरह का वर्ग तेरह का वर्ग आएगा तेरह गुणा तेरह एक सौ उनहत्तर अब हमें ये देखना है कि एक सौ उनहत्तर और एक सौ चवालीस इनके बीच में कितनी संख्याएँ हैं काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस हमारे पास संख्याएं आ गई चौबीस इसी तरफ यहां पर पच्चीस का वर्ग करेंगे छब्बीस का वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ी संख्याएं आएंगी उनके बीच की संख्या निकालने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा तो आपने क्या करना है एक सूत्र है उसकी सहायता से आप बिना संख्याओं को लिखे या बता देंगे कि कितनी संख्याएं होंगी तो दो संख्याओं के वर्गों के बीच में संख्या बताने का आसान सा सूत्र है दो एन दो एन जहाँ पर एन है पहली संख्या एन क्या यहाँ पर पहली संख्या जो आपको दी हुई है उस उसको हम मानेंगे पहली संख्या जो हमें दी हुई है पहली संख्या एन जैसे बारह और तेरह के वर्ग के बीच संख्या बतानी है हमें तो यहाँ पर पहले पार्ट को अगर हम करें पहले पार्ट के अंदर एन का मान क्या हो जाएगा एन हो जाएगा पहली संख्या यानी बारह तो इन दोनों के वर्गों के बीच में बारह वेरह के वर्गों के बीच की संख्याएं दो एन दो गुणा एन एन यहाँ पर है बारह पहली संख्या क्या है बारह दो गुणा बारह चौबीस तो इनके वर्गों के बीच में संख्या कितनी आएंगी चौबीस ऊपर हमने करके देखा था एक सवाल को तो वहाँ पर भी चौबीस आई थी यहाँ पर भी क्या है चौबीस तो आपने इस तरीके से नहीं करना है आपने ये तरीका लगाना है दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच में संख्या निकालने का सूत्र है दो एन या ये कह सकते हैं हम कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्याएं बराबर होंगी दो एन जहाँ पर एन है पहली संख्या दूसरा पाठ करते हैं यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा पच्चीस और छब्बीस पच्चीस और छब्बीस के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएँ आएंगी? तो यहाँ पर एन का मान हो जाएगा पहली संख्या पच्चीस तो पच्चीस व 26 के वर्गों के बीच की संख्याएं। सूत्र है हमारे पास दो एन दो एन यानि दो गुणा एन है यहाँ पर पहली संख्या पच्चीस दो गुणा पच्चीस पचास तो इनके वर्गों के बीच में संख्याएं आएंगी पचास तीसरा पार्ट है निन्यानवे और सो यहाँ पर हमारे पास एन का मान कितना हो जाएगा निन्यानवे तीसरे पार्ट में हमारे पास एन है निन्यानवे पहली संख्या तो निन्यानवे व सौ के बीच सो के वर्गों के बीच की संख्याएं हो जाएंगी दो एन दो गुणा एन हमारे पास है निन्यानवे तो दो गुणा निन्यानवे ये हो जाएगा एक सौ अट्ठानवे तो इस तरह से हम दो संख्याओं के वर्गों के बीच में संख्याएं इस सूत्र की सहायता से आसानी से बता सकते हैं तो बच्चों आपकी प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होती है धन्यवाद